हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनल चौहान आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ जिसका नाम है क्रिस्पी चिल्ली गार्लिक कॉर्न। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये जो रेसिपी है ये एक टी टाइम स्नैक रेसिपी है, पार्टी में एज अ स्टार्टर आप इसे सर्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी में उबला हुआ कॉर्न, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे राइस फ्लावर लिया है, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ मैदा यूज़ किया है, आधा लेमन यूज़ किया यानी 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, 1 टीस्पून मैंने यहाँ काली मिर्च लिया है, नमक अपने स्वाद के अनुसार, 2 टेबलस्पून गार्लिक का पेस्ट लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून के करीब। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन में उबले हुए कॉर्न को ले लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, राइस फ्लावर, मैदा ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लावर, गार्लिक पेस्ट अभी इसमें ऐड कर दूंगी, स्पाइसेस डाल लेते हैं, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। इसमें मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो गार्लिक मैंने इसमें डाला है इसका और कॉर्न का जो बैलेंस होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ आधा कटा हुआ लेमन जूस या 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस डाल दिया है, इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अभी यहाँ पर देखिए इसको मिक्स करते इसमें फ्लावर दिख रहा है, तो ये फ्लावर नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 या 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी डालकर इसको अच्छे से कोटिंग कर लिया है कॉर्न को। कॉर्न को अच्छे से कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अभी हो चुका है, इसको मैं अब डीप फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, उसमें एक कॉर्न मैंने डाल के देखा है तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। परफेक्टली ये गर्म हो चुका है। अभी हमें यहाँ जो कॉर्न है 3 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। ये जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, मैं इसे सारे कॉर्न को बैचेस करके इसमें डाल देती हूँ। ये मेरी फर्स्ट बैच है, इसमें मैंने डाल दिया। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। पहले 2 मिनट जो गैस का जो फ्लेम होगा वो मीडियम से थोड़ा सा हाई कर देना है इसको पकाने के लिए, और 1 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पर रखना है ताकि वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो। अभी ये कॉर्न जो है ये तेल में डालने से फूटने के बहुत ही चांसेस होते हैं, इसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए हमारे पास या फिर प्लेट, उसे हमें ऐसे कवर कर लेना है ताकि वो तेल जो है चटक के हमारे ऊपर ना आए, इसलिए उसको थोड़ा हम आराम से बनाएंगे ये कॉर्न को। तेल के कॉर्न चटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए हमारे कॉर्न जो है परफेक्टली कुक हो चुके हैं, लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर, एक्सेस ऑयल जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मेरी सेकेंड बैच को फ्राई करने के लिए। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसे भी मैंने 3 मिनट तक पका लिया है। पहले दो मिनट गैस का फ्लेम जो होगा वो मीडियम से थोड़ा सा हाई करना है, और लास्ट के जो 1 मिनट के लिए रखूँगी उसको एकदम हाई फ्लेम पे रखना है ताकि वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए डाल दिया मैंने, परफेक्ट। अभी हमें एक प्लेट आपके हाथ में ज़रूर चाहिए ताकि वो जो कॉर्न है वो चटकेगा तो आपके ऊपर तेल नहीं आना चाहिए, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आप चाहे तो इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किया है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं, और आप इसे चाय के साथ तो आप खा ही सकते हैं, प्लस आप अगर किसी पार्टी अरेंज कर रहे हैं तो एज अ स्टार्टर भी इसे आप रख सकते हो। ये 3 मिनट देखो हो चुके हैं, हमारे जो कॉर्न है वो लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो हम इसे और निकाल लेते हैं। ये देखिए कॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं, अब इसे सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। ये देखिए मैंने सर्विंग बाउल में ले लिया है, ऊपर से मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है, मुझे टोमेटो केचप के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आपको कोई और केचप या फिर सॉस अच्छे लगते हैं तो उसके साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे रेसिपी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।